चलो गाइस रेसलिंग मीनिया में आपका स्वागत है। गोल्डबर्ग वर्सेस उमागा, और आते ही क्लोज लाइन चढ़ने की कोशिश मगर नाकामयाब रहे। गोल्डबर्ग ब्लॉक करके उमागा जबरदस्त कॉर्नर के साइड मूव जड़ दिया। हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के खिलाफ ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में ये मूव है, ये पावर स्लैम। कौन जीतेगा? मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से गोल्डबर्ग मार मार के तबाह कर देंगे उमागा को और मैच इजीली जीत जाएंगे। ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का दोस्तों, देखिए टैपआउट के शिकार बनाने की कोशिश अच्छी तरीके से ब्लॉक करते हुए, और ये क्लोज लाइन ही इज बैक दोस्तों। अब खैर नहीं है उमागा की, और देखिए किक टू द फेस पावरफुल, इससे जरूर पड़ेगा उमागा की हेल्थ पर फरक। फिर से किक टू फेस, थोड़ा भी चांस, थोड़ा भी मौका नहीं देते हुए बैक टू बैक अटैकिंग मूवमेंट दिखाते हुए स्ट्रॉन्ग मैन के खिलाफ किक, देखिए उनका फेस डैमेज करते हुए दोस्तों, और पुश किया कॉर्नर के सेट, और ये शोल्डर। जैसा मैच स्टार्ट हुआ उमागा को लगाना चाहते थे क्लोज लाइन, मगर ऐसा होने नहीं दिया था। उमागा अच्छी तरीके से ब्लॉक करके उनके मूव जड़ते रहे थे गोल्डबर्ग के खिलाफ, मगर अपना कमबैक दिखा लिया। उसके बाद थोड़ा भी चांस, थोड़ा भी मौका नहीं देते हुए कम ऑन गेट बैक द विंग उमागा, जैसा रिंग के अंदर आए, और ये देखिए टेक डाउन करते हुए गोल्डबर्ग को, अगेन ही इज बैक दोस्तों। देखिए पंच टू पंच और लगा चुके हैं सुपर डुपर, ये मूव ये तो जॉन सीना का मूव है दोस्तों, जो हर WWE सुपरस्टार के ऊपर अप्लाई करते हैं, मगर यहां पर गोल्डबर्ग के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये समाउन ड्रॉप, व्हाट ए मैच, व्हाट ए मूव, अगेन समाउन ड्रॉप नंबर टू दोस्तों। क्या मैच जीत पाएंगे? देखिए पहले ही पिन में वो मैच कंटिन्यू करते हुए हमारे गोल्डबर्ग, कम ऑन, देखिए अपना कमबैक दिखाया फिर से, ही इज बैक। और ये क्लोज लाइन मारने की कोशिश, उठा लिया उमागा रिवर्सल लेके और चढ़ दिया उनका मूव, और नी टू द फेस। कौन जीतेगा ये मैच? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, गोल्डबर्ग तूफानी अटैक करके ये मैच जल्द से जल्द खत्म कर देंगे और जीत लेंगे उमागा से इस सर्वाइवर सीरीज वार गेम का। देखिए मैच जबरदस्त चलते हुए दोनों के बीच, और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त दिखा रहे हैं उमागा, और ये कोसा मूव है, ये पावरफुल पावर बॉम है दोस्तों, इससे जरूर उनके हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। गोल्डबर्ग हार सकते भी है ये मूव से, देखिए रिवर्सल या किक लगा दिया, ही इज बैक अगेन। क्या करेंगे अब? रिंग के अंदर तो पुश कर दिया उमागा को हमारे गोल्डबर्ग, और ये सुपर डुपर मूव से चित करते हुए स्ट्रॉन्ग मैन को, और ये क्लोज लाइन उनका कम्बो है दोस्तों। ये देखिए फेंक दिया बच्चे की तरह स्ट्रॉन्ग मैन को, और ये सुपर डुपर स्पाइन बास्टर, ओहो मारकासन नहीं हुआ, शोल्डर टैगर से चित किया, और देखिए बैक टू बैक अटैकिंग कर रहे हैं, मगर गोल्डबर्ग मार का असर नहीं हो रहा उमागा को, और कम ऑन यू कैन डू इट, रेडी टू जैक हैमर, कम ऑन वेक अप स्ट्रॉन्ग मैन, क्या मानने देंगे जैक हैमर या रिवर्सल लेंगे? और उठा लिया तो सही, और लगा चुके हैं जड़ दिया है सुपर डुपर जैक हैमर, क्या मैच जीत पाएंगे? कम ऑन रेफरी कौन बॉय, वन टू, ओ तीसरे ही पिन में वो मैच कंटिन्यू किया। उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है कि जैक हैमर में नहीं हारेंगे, और नी टू द फेस अगेन, रेडी टू स्पीयर, कम ऑन वेक अप, जैसा उठे उमागा और जड़ दिया इस स्पीयर दोस्तों। मेरे ख्याल से अब एंड ऑफ एरा कर देंगे, रेडी टू नंबर टू जैक हैमर, क्या कामयाब होने देंगे उमागा या रिवर्सल लेंगे? और देखिए दोस्तों फिर से ले लिया, क्या रिवर्सल ले पाएंगे? उठा लिया अभी सही, और लगा चुके हैं नंबर टू जैक हैमर,
इट इज ओवर, इट इज फिनिश, डेफिनेटली मैच छोड़ना पड़ेगा। कम ऑन रेफरी गॉड, 1 2 3 गाइस, ये मैच के विनर, ये मैच के हकदार बन चुके हैं WWE 2K23 ये सर्वाइवर सीरीज वार गेम के हमारे द हॉल ऑफ फेमर गो बक। अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उमागा भी एक समाउन ड्रॉप लगाया, समाउन स्पाइक की जरूरत थी मगर वो चीज को कामयाब होने नहीं दिया। गोल्डबर्ग अपना कमबैक दिखा के, जैक हैम्बर और एक स्पीयर, फिर से जैक हैम्बर मार के वो मैच को खत्म किया, एंड ऑफ एरा, उसके बाद मैच जीत लिए। तो मेरे रेसलिंग मेनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय दोस्तों।